हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो के एंड में हम बात करेंगे डेली जी के तड़का डोज 59 की। यहाँ पे दोस्तों, हम ये जो सेशन कर रहे हैं डेली जी के तड़का डोज, यहाँ पे हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, यहाँ बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो याद रखना आपको कि यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तो ये डॉक्टर मनोज सोनी बन गए हैं। और अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया दोस्तों नीलमणि फुकन को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसे प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थान ने हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों, यहाँ मनाया है 13 अप्रैल को। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यह सम्मानित किया जाने वाला है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं। यह बन गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का जो पुरस्कार है वह किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है। यदि दोस्तों आप जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक वर्ल्ड एंड नेशनल करेंट अफेयर्स की PDF परचेस करना चाहते हो तो आपको हमारे मोबाइल नंबर 7566836900 पर ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। आप दोस्तों पेमेंट कर दोगे उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी टीम जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की PDF प्रोवाइड करवा देगी। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है दोस्तों चाइना, मतलब चीन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों, यह उपग्रह चीन के भूमि समुद्र रडार उपग्रह समूह का हिस्सा बन जाएगा। यह चीन को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में सहायता करने के लिए इमेजेस को कैप्चर करेगा। और इस उपग्रह को दोस्तों नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो चीन देश है इसने दोस्तों एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत और किस देश ने वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। तो यह आयोजन किया है दोस्तों अमेरिका में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका देश ने वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। इस वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो भारत और अमेरिका देश है दोस्तों, इन्होंने वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती कब मनाई गई है। दोस्तों, यहाँ मनाई जाती है प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3।
तो दोस्तों एक महान समाज सुधारक, दूरदर्शी विचारक और शिक्षाविद ज्योतिबा फुले की जयंती हर साल 11 अप्रैल को मनाई जाती है। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। दोस्तों ज्योतिराव फुले को महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो जन्म है वह दोस्तों 195 साल पहले मतलब 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, 28 नवंबर 1890 को हो गया था। तो याद रखना है कि समाज सुधारक महात्मा फुले की जो जयंती है वह प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, तो 11 अप्रैल को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा। इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2026 मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने प्रारंभिक सूची में 16 खेलों को राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए चुना है, जिनमें दोस्तों जलीय विज्ञान, साइकिल चलाना और T20 क्रिकेट शामिल हैं। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है इसका आयोजन कब से हो रहा है, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, और कहां पर, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश ने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए है। तो यह अधिकार दिए दोस्तों इक्वाडोर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन टू। तो दोस्तों इक्वाडोर की सर्वोच्च अदालत ने उनी बंदर एस्ट्रेडलिटा के मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारों को मान्यता देने का फैसला किया है। यह पहली बार है कि जब किसी अदालत ने किसी जानवर पर प्रकृति के अधिकार लागू किए हैं। इस अधिकार के तहत दोस्तों जानवरों को अस्तित्व और पुनर्जनन का अधिकार होगा। तो याद रखना आपको कि इक्वाडोर देश ने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बन गए हैं। दोस्तों यह बने हैं एंड्रू मैकडोनाल्ड्स। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एंड्रू मैकडोनाल्ड्स ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो जस्टिन लेंगर का स्थान इन्होंने लिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, तो यह एंड्रू मैकडोनाल्ड्स बन गए हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022-23 वित्त वर्ष में अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2022-23 में वित्त वर्ष में जो अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि है यह दोस्तों 4.7% से घटकर वो कितनी हो गई है, तो 3% हो गई है। तो दोस्तों याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस वर्ष अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर 3% कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने संभावित खाद्य संकट के बारे में दोस्तों चेतावनी दी है, जो मूल्य वृद्धि का कारण हो सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन की इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इस संघर्ष ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन की, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। साथ ही दोस्तों इसके सदस्य देश की बात करें तो यह 164 है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO है, यह दोस्तों एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IMF एवं विश्व बैंक की तरह यह संयुक्त राष्ट्र मतलब UN से संबंध नहीं रखती है। तो याद रखना करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन वन, 3%। करेक्ट आंसर क्या है, 3%। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 59 की। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज की। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो समुद्र की गहराई है उसे मापने के लिए यंत्र प्रयुक्त होने वाला उसका नाम है फैदोमीटर। क्या नाम है, तो फैदोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वैद्युतिक मोटर की घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है।
तो इसके लिए जो प्रयुक्त यंत्र है दोस्तों, उसका नाम है टैकोमीटर। क्या है दोस्तों? टैकोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो सौर विकिरण मापने में जो यंत्र प्रयुक्त होता है उसका नाम है दोस्तों पायरेलियोमीटर। क्या है? पायरेलियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए प्रयुक्त यंत्र है दोस्तों फोनोमीटर। याद रखना कौन सा मीटर है? फोनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की फोटोग्राफी में किस यंत्र का प्रयोग होता है? इसके लिए दोस्तों प्रयुक्त जो यंत्र है वो है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। कौन सा है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हृदय गति मापन किस यंत्र का प्रयोग होता है? मतलब हृदय गति मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो कार्डियोग्राफ का। याद रखना दोस्तों क्या? कार्डियोग्राफ। अगला क्वेश्चन है कि कोयले की सबसे उच्चतम कोटि कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला। मतलब एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम कोटि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि किसने विकसित की थी? तो इसे विकसित किया है गुरु अंगद ने। याद रखना गुरुमुखी लिपि को किसने विकसित किया है? तो गुरु अंगद ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वित्त आयोग का जो गठन है वह राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो दोस्तों यह 5 वर्ष के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तीसरी शताब्दी में मतलब लगभग 225 ईसा में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति थे। और साथ ही आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों इसके जो आविष्कारक है वो अलेसांड्रो वोल्टा है। कौन है? विद्युत बैटरी के आविष्कारक तो अलेसांड्रो वोल्टा है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है? दोस्तों इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।